दोस्तों आपका फिल्मी मीडिया चैनल में स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे अक्षय कुमार और वाणी कपूर स्टारर फिल्म बेल बॉटम के 24वें दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। उससे पहले दोस्तों, अगर आप फिल्मी मीडिया चैनल पर पहली बार आए हो तो फिल्मों के बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट जानने के लिए फिल्मी मीडिया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों वीडियो को स्किप न करें, वीडियो को अंत तक देखें। तो दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आपको बता दूं, कई बेल बॉटम मूवी में अक्षय कुमार और वाणी कपूर के अलावा लारा दत्ता और हुमा कुरैशी भी मुख्य भूमिका में हैं। अक्षय कुमार और वाणी कपूर स्टारर फिल्म बेल बॉटम 19 अगस्त से सिनेमा घरों में दिखाया जा रहा है। दोस्तों आपको बता दूं कि ये एक स्पाई थ्रिलर मूवी है। इस मूवी का निर्देशन रंजीत तिवारी ने की है। बेल बॉटम मूवी की बजट की बात करें तो इस मूवी की बजट लगभग 70 करोड़ रुपए बताया जा रहा है। फिल्म के कलेक्शन की बात करें तो बेल बॉटम मूवी कोरोना महामारी में भी बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन कर रही है और ये मूवी पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन करते हुए 2,75,00,000 रुपए की कमाई कर ओपनिंग ली थी। अगर बात करें इस मूवी के पहले वीक के कलेक्शन के बारे में तो बेल बॉटम मूवी पहले वीक में 19,40,00,000 रुपए का कारोबार करने में सफल रही थी, जबकि यह मूवी दूसरे वीक में बॉक्स ऑफिस पर 7,35,00,000 रुपए का बिजनेस करने में सफल रही है। वही अगर बात करें इस मूवी के तीसरे वीक के कलेक्शन के बारे में तो बेल बॉटम मूवी तीसरे वीक में बॉक्स ऑफिस पर 2,88,00,000 रुपए का कारोबार करने में सफल रही है। अगर बात करें इस मूवी के 23वें दिन यानी रिलीज के चौथे शुक्रवार के दिन के कलेक्शन के बारे में तो बेल बॉटम मूवी 23वें दिन यानी शुक्रवार को बॉक्स ऑफिस पर लगभग 25,00,000 रुपए का कलेक्शन करने में सफल रही है। तो दोस्तों इस तरह से बेल बॉटम मूवी का पहले 23 दिनों का इंडिया नेट कलेक्शन 29,88,00,000 रुपए हो गई है, जबकि इस मूवी का पहले 23 दिनों का इंडिया ग्रॉस कलेक्शन 37,50,00,000 रुपए हो चुकी है। वही अगर बात करें इस मूवी के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के बारे में तो बेल बॉटम मूवी का अब तक का वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन 47,90,00,000 रुपए रही है। अगर ओवरसीज कलेक्शन की बात करें तो ये मूवी ओवरसीज मार्केट में अब तक 12,50,00,000 रुपए का कलेक्शन करने में सफल रही है। वही अगर बात करें इस मूवी के 24वें दिन यानी रिलीज के चौथे शनिवार के दिन के कलेक्शन के बारे में तो अभी तक जो ऑक्यूपेंसी रिपोर्ट आ रही है उसके अनुसार ये मूवी 24वें दिन यानी शनिवार को बॉक्स ऑफिस पर लगभग 30,00,000 रुपए की कमाई करती हुई नजर आ रही है। दोस्तों अगर बेल बॉटम मूवी के अब तक के कलेक्शन में आज यानी शनिवार के दिन का कलेक्शन जोड़ दिया जाए तो बेल बॉटम मूवी का 24 दिनों का इंडिया नेट कलेक्शन 30,18,00,000 रुपए हो जाता है। दोस्तों आपको बता दूं कि कोरोना महामारी के बावजूद भी अक्षय कुमार और वाणी कपूर की ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन किया है। दोस्तों अगर आप बेल बॉटम मूवी देख चुके हो तो आप हमें कमेंट करके बताएं कि आपको ये मूवी कैसी लगी। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और फिल्मों के बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट जानने के लिए फिल्मी मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।